भोपाल मध्य विधानसभा से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद भोपाल से बुरहानपुर तक कांग्रेस की भारत जोड़ो संविधान बचाओ पदयात्रा निकाल रहे हैं। सोमवार को पदयात्रा सिवनी मालवा पहुंची। यह पदयात्रा के दौरान विधायक मसूद को एक जगह शादी होती दिखी। आरिफ मसूद दूल्हे को माला पहना बधाई देने पहुंच गए। वही मस्जिद मोहल्ले के पास आरिफ मसूद ने बाल दिवस मनाते हुए बच्चों को बैग एवं चॉकलेट बांटी। पदयात्रा के दौरान यात्रा का जगह जगह फूल वर्षा एवं तोलादान कर स्वागत किया गया। विधायक मसूद ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश व प्रदेश में भाजपा की सरकारें मौलिक अधिकारों का हनन कर एवं संविधान को तहस नहस कर जनता में नफरत फैला रही है। हमारी यात्रा के माध्यम से हम लोगों को एकजुट रहने का संदेश दे रहे हैं। आगामी 2023 में भाजपा को हटाकर पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनाएगी। यात्रा लेकर सिवनी मालवा पहुंचे विधायक आरिफ मसूद ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने यात्रा के दौरान सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र में नहरें सूखी हुई देखी है। किसान पानी के लिए परेशान है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि इसका जवाब शिवराज सिंह को देना होगा। मैं भोपाल पहुँच कर इसका जवाब मांगूंगा। विधायक आरिफ मसूद ने इस दौरान भाजपा पर निशाना भी साधा और कहा कि भाजपा ने छल कपट से सत्ता हथियाई है। 2018 में भी जनता ने हमें चुना था, लेकिन इन लोगों ने हमारे कुछ बेईमान साथियों के साथ मिलकर सत्ता हथिया ली थी, जिसका जवाब आने वाले चुनावों में प्रदेश की जनता भाजपा को देगी। मंदिर में भर दूंगी मैं ईद की खुशियाँ और मस्जिद में दिवाली के दीप जला दूंगी। ऐसे हमारी भारत की सोनिया गांधी की हिंदुस्तान की जनता से कह रही है, राहुल गांधी नौजवानों से कह रहे हैं, दो साथियों तुरंत मिटा दो नफरत की दीवारों को, बेनकाब सबक छका दो देश के इन गद्दारों को। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक है, एक रहेगा हिंदुस्तान। कह दो दुनिया वालों से अब यही बचेगा हिंदुस्तान, नहीं बचेगा हिंदुस्तान। मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नौजवान साथियों, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम बड़े गर्व के साथ कहता हूँ, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और एक श्लोक सुनिए कि जननी जन्मभूमि से जहां नदी से जनातन जन के पंच वैवा जकारा पंच दुर्लभा की जागरण से प्रारंभ होने वाली पांच चीजें बड़े महत्व होती है। माता मातृभूमि भगवान विष्णु का माता को हम नमन करते हैं। और मैं एक श्लोक कर दिया हिंदी ट्रांसलेशन कर देंगे, इसी मन से मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रण करूंगा कि अयोध्या प्रकरण पार्टी द्वारा प्रशासन राम है लक्ष्मण भरत शत्रु चा राम है राम जैसा तस्वीर पहले मैं मेरा चाहता थी। तो हम वो मैसेज देना चाहते हैं कि ब्लड बैंक में देखा जाता है कौन हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है, ईसाई का है, और भोपाल से लेकर के बुरहानपुर भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत उन्होंने भोपाल से की। आज हमारे नगर में उनका प्रवेश हुआ, हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और इस यात्रा को और ताकत मिले इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं भाई आरिफ मसूद को बुलाता हूँ अपना बात बात बात। सभी दोस्तों और साथियों, क्योंकि अभी तक मैंने रास्ते में कहीं भी कोई सभा नहीं करी, मैंने मना करा था, लेकिन ये आप लोगों की मोहब्बत है और जिस ताकत से पूरे रास्ते पर मोहनत और लोगों का जुड़ाव कांग्रेस के प्रति और हमारी यात्रा के प्रति दिख रहा है, उसके लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। युवक कांग्रेस के साथियों का धन्यवाद, सभी राजनीतिक टीम का धन्यवाद, तमाम उन लोगों का धन्यवाद जिन्होंने हमारी व्यवस्थाएं करी, हमारे लिए रास्ते अभी तक परेशान रहे। मूल उद्देश्य आपको याद रखना है, ये तो सब हमारा आपका परिवार का मसला है, हम सब एक दूसरे के साथी हैं और ये काम करेंगे। लेकिन असल मकसद यात्रा का जो राहुल गांधी संकल्प किया उसको पूरा करना है।
क्योंकि देश वापस उठी मुहाने पे आकर खड़ा हो गया, जहां पहले हम अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए भारत को देखते थे, आज हम भाजपा और आरएसएस की फैलाई हुई नफरत के जकड़े हुए भारत को देख रहे हैं। उन फैलाई हुई नफरत के जाल को तोड़ने का संकल्प और साहस और हिम्मत कोई कर सकता था तो उसे राहुल गांधी और गांधी परिवार कर सकता था, उसको धन्यवाद और सलाम। जैसे उनके परिवार ने पूर्व देश के लिए अपनी जान बचावर करी, आज का बेटा था उसी परिवार का संतान देश की बढ़ती नफरत को रोकते हैं और देश को जाने वाली नफरत की आंधी से रोकने के लिए उन्होंने संकल्प लिया। हमारा मकसद भी वही है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, अभी रास्ते पर चलता हुआ आया, कई जगह पर नहरों में पानी नहीं चला, और अगर कोई परिवार साथी में एक जगह दिख रहा है नोट कर लो आप, क्योंकि भोपाल शिवराज सरकार आपको जवाब देना होगा कि आपके मंत्रियों विधायकों ने आधे आधे गांव की नहरों रोकने गांव में पानी ले गए, इसका जवाब शिवराज जी भोपाल में आप जाके मांगूंगा। ये अन्याय किसानों के साथ बर्दाश्त कांग्रेस नहीं करेगी, ये बंटवारे की राजनीति कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। एक गांव में पानी दोगे दूसरे में पानी नहीं दोगे, ये कैसा भेदभाव, ये कैसा भेदभाव सरकार का। मैंने कहा जिला कलेक्टर महोदय को कि जिला कलेक्टर महोदय संविधान का पालन करिए, संविधान के कर्तव्य के दायित्व का पालन करिए और एक एक के साथ तक पानी पहुंचाने का काम करिए। जिन किसानों ने मुझसे शिकायत करी मैंने उनसे कहा 5 दिन में पानी ना मिले तो मुझे बताना, मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन के अंदर घेरा होगा हमें, आपका साधारण मसूर जाएगा। ये आप सबसे कहना चाहता हूँ कि इस यात्रा को समर्थन का आशीर्वाद को आप दे रहे हैं, लेकिन इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ तो कदम मिलाने का प्रयास करो, ये मालिक का कदम है सामान वाले का, क्योंकि हम लोग जब अंग्रेजों के खिलाफ गांधी ने लाठी उठाई थी तब हम लोग दुनिया में नहीं थे, लेकिन आज ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है कि जब देश को दोबारा नफरत की आंधी और संविधान बचाने के लिए कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने संकल्प लिया तो हम गांधी के साथ तो नहीं चल पाए, लेकिन राहुल गांधी के साथ चलने का सौभाग्य हमें और आपको मिल रहा है। इसलिए मालिक का शुक्र, आइए सब भारत जोड़ों में बोलिए नफरत तरीके की यात्रा है, क्या उद्देश्य है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसे समय पर राहुल गांधी जी ने आह्वान करा जो देश की आवश्यकता है, जिस समय देश में नफरत इतनी ज्यादा हो चुकी हो कि इंसान इंसान को दुश्मन की तरह देखने लगा हो, तो हमारे आजादी के मतवालों ने ऐसा देश ऐसा भारत नहीं सोचा था। आजादी के मतवालों ने जो भारत सोचा था वो ऐसा सोचा था जो मोहब्बत वाला अमन वाला भारत हो, जो भारत दुनिया में तरक्की करने वाला भारत हो और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाए, और आजादी के बाद वो पहचान बनाई, लेकिन कुछ लोग और कुछ ताकत इस ताकत को मिटाने में लग गई। तो ऐसे समय में राहुल गांधी जी का धन्यवाद। मैं भी भोपाल से बुरहानपुर तक पदयात्रा में जा रहा हूँ, हम भोपाल से पैदल जाएंगे, 350 किलोमीटर का सफर करेंगे, लगभग 800 किलोमीटर के आसपास हमारा पूरा हो रहा है, और आज सिवनी बनापुरा में हम आए। मेरा बहुत प्रिय साथी मेरे साथ आज दुनिया में नहीं रहा, जो यूथ कांग्रेस में हम दोनों ने संघर्ष करा, जग्गी, उनके घर पर आया हूँ, ओम भैया से मुलाकात हुई। मैं यही संदेश दूंगा यहाँ के लोगों को कि ये वक्त बहुत सोचने का है, समझने का है, ये देश का संविधान बचाने का और नफरत समाप्त करने का लक्ष्य सबको लेना चाहिए। ये किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये कांग्रेस के झंडे के नीचे नहीं है, ये तिरंगे के नीचे है। राहुल गांधी ने एक तिरंगा हाथ में लिया है, जिस तरह बापू गांधी ने लेकर सबको आह्वान करा था, हम भी सबको जोड़ने की बात कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव जो अभी कुछ राज्यों में चल रहे हैं वहां पर समान नागरिक संहिता की बात उठ रही है, तो उसे किस तरीके से देखिए? देखिए, ये हर बार जब चुनाव आता है कुछ इसी तरह की बातें करेंगे, अब जनता जान चुकी है ना इस तरह की कोई बातें होना ना कुछ होना है। असल भारत ऐसा है जो एक गुलदस्ता है जो सबको लेके चलता है, सबको अधिकार दिए, और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान हमको दे दिया वो संविधान नष्ट नहीं होने देंगे, वही यात्रा का मूल उद्देश्य है। इनका काम नफरत फैलाना है, इनका काम बंटवारा करना है, हमारा काम जोड़ना है। समान नागरिक, मैंने कहा ना उसमें कोई मतलब नहीं है, समान नागरिक क्या नहीं है, इनसे पूछो जरा, ये खुद उसकी डेफिनेशन बताए कि कौन सा राइट्स किसका कहाँ है,
आज हर आदमी परेशान है, तो आप देख लेना जो अधिकार आपने दिए पहले उसको पूर्ति कर लो, तब भविष्य की सोचना। अरे भाई यात्रा के दौरान आपका अनुभव कैसा रहा? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि लोग प्यार के भूखे हैं, सिर्फ एक दूसरे से हमको मिलने की जरा सा एक कदम बढ़ाना है, सब प्यार मोहब्बत बांटना चाहते हैं। आज के समय में जैसे कई जगह धार्मिक उन्माद के मामले सामने आते हैं, तो उन चीजों को किस तरीके से देखते हैं? यही एक यात्रा का उद्देश्य है कि लोकल लोगों को समझना चाहिए, सबको मिलजुल कर अगर वहीं के बड़े आपस में आ जाए तो जो जिस तरह से हमको जो उन्माद फैलाना चाहते हैं, जो किसी भी समाज का हो चाहे किसी भी वर्ग का हो, अगर वो उन्माद फैलाना चाहता है उस व्यक्ति को अगर वहाँ के बड़े आके उसी समय शांत कर देंगे तो ऐसी स्थिति खराब नहीं होगी, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य खुशहाली में, हर व्यक्ति अपने घर में खुशी और अमन चाहता है, तो ऐसे ही हम अपने शहर और देश में अमन और खुशी चाहते हैं।